बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है एब्जॉर्प्शन एंड एक्शन स्पेक्ट्रम। लास्ट टाइम हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स को डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि वो पिगमेंट्स कौन कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और कितनी इफेक्टिविटी शो करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फोटोसिंथेसिस। तो चलिए, अब जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं यहाँ पे लाइट की। तो देखिए, लाइट को अगर हम डिस्कस करें तो हमारी पूरी अर्थ के अंदर जो सोर्स ऑफ लाइट है, दैट इज सन। लाइट किस फॉर्म में है? दिस इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी और रेडिएशंस, जो कि फोटोन्स होते हैं। फोटोन्स आर व्हाट? दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। इसी तरह जब हम व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करवाते हैं तो ये सेवन डिफरेंट कलर्स के अंदर स्प्लिट हो जाती। दीज आर द सेवन डिफरेंट कलर्स। इन डिफरेंट कलर्स को ही हम वेवलेंथ्स कहते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे इसी विजिबल लाइट को शो करें तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं सबसे कम वेवलेंथ जो है वो वायलेट, उसके बाद इंडिगो, देन ब्लू, देन ग्रीन, देन येलो, ऑरेंज एंड फाइनली रेड। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ कहाँ पर होगी? रेड में, और सबसे कम कहाँ पर होगी? वायलेट के अंदर। यही से हम दो तीन बातें और भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर देन रेड होगी तो देन इट विल बी द इंफ्रारेड, उससे भी ज्यादा होगी तो वो रेडियो वेव्स होंगी। अगर वेवलेंथ जो है वो शॉर्टर देन वायलेट होगी तो देन इट विल बी द अल्ट्रा वायलेट, उससे कम है तो वो एक्स रेस, उससे कम है तो वो गामा रेस। एक और बात भी, अगर लॉन्गर वेवलेंथ होगी तो उसके अंदर एनर्जी कम होगी, अगर वेवलेंथ जो है वो कम होगी तो उनके अंदर एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है। और ऑलरेडी हमने ये बात पहले भी डिस्कस की थी कि हमें सिर्फ वही कलर्स नजर आते हैं जो कि रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, जो एब्जॉर्ब नहीं होते। जो कलर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं, वो नजर नहीं आते। लेट्स सी हियर, दिस इज द डायग्राम ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। सोलर एनर्जी जब क्लोरोप्लास्ट पे फॉल करेगी तो सिर्फ 1% सोलर एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। रिमेनिंग एनर्जी जो है या तो ट्रांसमिट हो जाती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है। अब वो एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो जाती है, दैट विल बी द डिसअपीयर्ड, वो नजर नहीं आएगी। आपको दिखने वाले सारे कलर्स वो होते हैं जो कि रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, वही हमें किस फॉर्म में नजर आते हैं? कलर्स की फॉर्म में। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें प्लांट्स जो है वो ग्रीन कलर के क्यों नजर आते हैं? तो उसका आंसर ये है कि क्लोरोफिल जो है वो जो सबसे कम कलर्स को या वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है या रिफ्लेक्ट कर देता है या ट्रांसमिट करता है, वो थ्री कलर्स हैं। दीज आर द ग्रीन, येलो एंड इंडिगो। तो इसका मतलब कि हमें प्लांट्स जो है वो इन तीन कलर्स में नजर आने चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा प्लांट्स तो हमें ग्रीन कलर के ही नजर आते हैं। तो उसकी रीजन क्या है कि जो येलो कलर है उसको कौन सा वाला कलर जो है वो दबा देता है या मास्क कर लेता है? ग्रीन कलर। दैट इज वाई प्लांट्स आर शोन इन ग्रीन कलर, दे अपीयर इन द ग्रीन कलर, ठीक है। इसी तरह अब हम इन्हीं कलर्स की बात अब डिस्कस करें एक और टर्मिनोलॉजी, दैट इज द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हमें एक ऐसा अपरेटस है जो हमें ये बताता है कि कौन कौन से डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट एब्जॉर्ब होती है और कौन कौन से डिफरेंट पिगमेंट्स इन वेवलेंथ की लाइट्स को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ये सब कुछ हम जान सकते हैं थ्रू द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। और अगर हम इसी चीज को ग्राफिकली शो करें कि कोई भी पिगमेंट जो है वो कितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो जब हम इसको ग्राफिकली शो करते हैं तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और अगर आप इसी वेवलेंथ की लाइट को, जिसको कि भी हम डिस्कस कर रहे हैं कि कितनी एब्जॉर्प्शन हो रही है, कौन सा पिगमेंट कितना एब्जॉर्ब कर रहा है वेवलेंथ को, अगर आप उसमें ये देखना चाहें कि वो कितना इफेक्टिव है फॉर द फोटोसिंथेसिस, तब हम उस ग्राफ के लिए टर्म यूज करेंगे एक्शन स्पेक्ट्रम। तो डिफरेंस पता चल रहा है आपको, एब्जॉर्प्शन और एक्शन स्पेक्ट्रम में फर्क क्या है? हैं तो दोनों ग्राफ। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में हम सिर्फ इस चीज को डिस्कस करते हैं कि फोटोसिंथेटिक पिगमेंट कितनी वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और जब हम एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो फिर हम ग्राफ के थ्रू ये डिस्कस करेंगे कि वो जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो कितनी इफेक्टिविटी शो करती है विद रेफरेंस टू फोटोसिंथेसिस। क्लास अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं द कंपैरिजन बिटवीन एक्शन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम।
आपके सामने सबसे पहले एक्शन स्पेक्ट्रम है जिसे के सबसे पहले फाइंड किया था एंगल मैंने 1883 में। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा फोकस करें तो आप देख सकते हैं दिस इज द ग्रीन एल्जी विच इज द स्पाइरोगायरा। इसे लाइट से इल्यूमिनेट किया गया ये देखने के लिए कि किन एरियाज के अंदर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो है वो शो हो रही है कौन से एरिया में, वायलेट ब्लू एरिया के अंदर और ऑरेंज रेड रेंज के अंदर। हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है, क्योंकि एंगल मैंने यहाँ पर इस ग्रीन एल्जी के साथ जो चीज यूज की थी दीज वर द एरोबिक बैक्टीरिया जिन्हें के रिस्पायर करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर जो बाय प्रोडक्ट है दैट इज ऑक्सीजन गैस। तो जब जहां जहां पे सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही होगी वहां पे रिलीज किसका होगा, ऑक्सीजन का। और जहां पे ज्यादा रिलीज ऑफ ऑक्सीजन है वहां पर क्या चीज एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, एरोबिक बैक्टीरिया। तो यूं हमें इस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो है वो वायलेट ब्लू और रेड एरिया में होती है। अब अगर हम डिस्कस करें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को, तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हम डिफरेंट पिगमेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं लाइक द क्लोरोफिल ए, ब्लू वन इज द क्लोरोफिल बी एंड द रेड वन इज द कैरोटीनॉइड। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की जब हम बात करते हैं तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हमें ये बताता है कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन जो है वो कौन से एरिया में हो रही है, वायलेट ब्लू में। और उसके बाद जो सेकेंड नंबर पे एब्जॉर्प्शन हो रही है वो कौन से एरिया में हो रही है, रेड एरिया में। ठीक है, तो इट मीन्स के जो सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन पीक समय मिलती है वो कहाँ पर मिलती है, अराउंड 4:30 और कहाँ पे मिलती है, 6:50 और 6:70 में। यहाँ पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो रही है लाइट की। अगर हम अब डिस्कस करें एक्शन स्पेक्ट्रम को, यहाँ पर अगर आप ग्राफ देखें तो दिस इज द एक्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ऑल दीज पिगमेंट्स। यहाँ पर तो हमने सिंगल सिंगल पिगमेंट्स को डिस्कस किया कि वो कौन सी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन जब हम एक्शन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं तो हम अब इफेक्टिविटी डिस्कस कर रहे हैं विद रेफरेंस टू फोटोसिंथेसिस कि किस वेवलेंथ के अंदर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। एक्शन स्पेक्ट्रम में हम इन सब का क्यूमुलेटिव इफेक्ट डिस्कस करें। आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा आपको जो इफेक्टिविटी या फोटोसिंथेसिस नजर आ रही है वो इसी एरिया में नजर आ रही है विच इज द वायलेट ब्लू, और सेकेंड वन आपको कहां पे नजर आ रही है, दिस एरिया विच इज द रेड वन। इसके अलावा क्या डिफरेंसेस हैं आप देखिए, यहाँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर जो पीक्स हैं, जो हाईएस्ट पॉइंट्स होते हैं उनके लिए हम टर्म यूज करते हैं पीक्स, और पीक्स के दरमियान में ये जो डीप एरिया होता है इसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं, वेलीज। तो देखो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर जो पीक्स हैं दीज आर नैरोअर, और अगर हम एक्शन स्पेक्ट्रम की पीक्स को देखें तो ये नैरो नहीं है, दीज आर ब्रॉडर। इसी तरह से जो वेलीज है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की ये भी ब्रॉड है, और एक्शन स्पेक्ट्रम की जो वेली है दिस इज द शेलो वन। अगर हम कंपैरिजन देखें, अब आप इन दोनों ग्राफ्स को भी देखते जाएं तो देखें हम एक्शन स्पेक्ट्रम को किससे रिलेट करवा रहे हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से। आपको पीक्स और वेलीज नजर आ रही है दोनों के अंदर, ये जो पीक्स और वेलीज हैं ये शो कर रही हैं कि सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे कंज्यूम हो रही है और कहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा रिलीज हो रही है। थर्डली हम ये देख सकते हैं कि हमें कुछ जगहों के ऊपर तो बिल्कुल भी एब्जॉर्प्शन नजर नहीं आ रही, लेकिन इस एरिया के अंदर हमें एक्शन तो नजर आ रहा है, तो इसकी क्या रीजन हो सकती है। यहां पर एक्शन या फोटोसिंथेसिस नजर आने की रीजन ये है कि वो वेवलेंथ जिसे कि क्लोरोफिल ए और बी ने एब्जॉर्ब नहीं किया उसे किसने एब्जॉर्ब कर लिया था, कैरोटीनॉइड ने, दैट इज द ग्रीन वेवलेंथ जो कि एब्जॉर्ब नहीं हुई थी क्लोरोफिल से, उसे किसने एब्जॉर्ब किया था, कैरोटीनॉइड ने। तो अगर कैरोटीनॉइड ने उसको एब्जॉर्ब किया तो इट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस इन दिस एरिया, इसीलिए यहां पर जो वेली है वो डीप नहीं है, नाउ दिस वेली इज शैलो। अगर आप यहां नोटिस करें तो देखिए फोटोसिंथेसिस आपको ज्यादा नजर आ रही है 500 से 600 की रेंज के अंदर, जबकि आपको 500 से 600 की रेंज के अंदर एब्जॉर्प्शन नजर नहीं आ रही, और मैंने आपको रीजन उसका बता दिया, दिस इज ड्यू टू द कैरोटीनॉइड। पीक्स जो है वो नैरो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, लेकिन ब्रॉडर है एक्शन स्पेक्ट्रम में, ये भी हमने डिस्कस कर लिया इनकी पीक्स को। और
एक्शन स्पेक्ट्रम के अंदर क्यों ज्यादा ब्रॉड पीक्स होती है, क्योंकि हम यहाँ पे कंबाइन इफेक्ट डिस्कस कर रहे होते हैं इन तमाम पिगमेंट्स का, दैट्स व्हाई द पीक्स आर द ब्रॉडर। वैलीज जो होती है वो डीप होती है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर, ये भी मैंने आपको बताया था, लेकिन वैलीज जो है वो शेलो होती है, और इसकी रीजन भी अभी हमने डिस्कस कर ली कि वो वाला पिगमेंट जो कि कहाँ से एब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, क्लोरोफिल से, उसको किससे एब्जॉर्ब किया, कैरोटीनॉइड ने, और उसने हेल्प किया फोटोसिंथेसिस में। और लास्ट में हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब इक्वल इंटेंसिटी की लाइट दी जाती है तो ज्यादा फोटोसिंथेसिस जो वो हमें कहां पर रिपोर्ट होती है, रेड बल्ब के अंदर। बच्चों ये थी हमारी आज की डिस्कशन जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एक्शन स्पेक्ट्रम, उनका कंपैरिजन। होपफुली आज के लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।